नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको कमाई करवाने वाले घास के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आलू को रोग से बचाने पर बात करेंगे, वहीं सूखे के भयंकर प्रभावों पर भी बात करेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। इन दिनों घास की दो किस्मों की बड़ी डिमांड है। ये किस्में हैं लेमन और पामारोसा ग्रास। इसके अलावा भी कई ऐसे घास हैं जिन्हें किसान लगा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अपनी माटी के पास प्रदेश भर से किसानों ने पामारोसा घास के बारे में पूछा था। इस पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदेव रिहान ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का दौरा किया। उन्होंने वहाँ एग्रोनॉमी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नवीन से बात की। डॉक्टर नवीन ने बताया कि एक पामारोसा और लेमन ग्रास औषधीय गुणों से भरपूर है। खासकर पामारोसा से सुगंधित तेल निकलता है। इसमें तृप्ता और कृष्णा आदि किस्में हैं। खास बात यह है कि जहां पानी की कमी होती है वहां इसकी पैदावार कम होती है। इसके तेल की मार्केट में खूब डिमांड है। इसमें जब फूलों की अवस्था आती है तो इसकी कटाई करके तेल निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा अनुमोदित संकर हाथी घास और सिटीरिया घास जैसी किस्मों को भी फार्मर्स किसान भाई लगा सकते हैं। परंतु इन घासों का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो पशुओं को चारे के लिए होता है। इसके साथ ही किसान भाई लेमन घास या एक और घास है पामारोसा घास, उस घास को भी लगा सकते हैं। और इन घासों को मुख्य रूप से इनके तेल के लिए लगाया जाता है। जहाँ तक पामारोसा घास है, ये एक अच्छा सुगंधित तेल जो है इसे प्राप्त होता है। और इस घास की कुछ एक बहुत अच्छी किस्में जैसे PRC1, तृप्ता, तृष्णा, वो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है सुगंधित पौधों का लखनऊ में, उन्होंने तैयार कर रखी है। तो इस घास को हम बरसात के महीनों में लगाते हैं और सिंचित या असिंचित दोनों क्षेत्रों अवस्था में, परंतु जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ इसकी पैदावार में लगभग आधी हो जाती है। और जब यह घास अपने फूलों के अवस्था में आती है तो इसकी कटाई की जाती है और आसवन विधि द्वारा इसे तेल प्राप्त किया जाता है। और उस तेल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी डिमांड है। और लगभग एक हेक्टर से यानी कि 12.5 बीघे या 25 कनाल से हमें 1.5 लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। बेशक पहाड़ के किसान आलू उगाने में सबसे माहिर हैं, लेकिन अभी भी कई किसान भाई हैं जो जानकारी के अभाव में अपनी फसल खराब कर बैठते हैं। इन किसान भाइयों के लिए पेश है ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहे आलू में कहीं हरापन है तो कहीं छेद है। यही नहीं, ध्यान से देखिए, एक आलू का एक हिस्सा सड़ गया है। आखिर ये सब कैसे होता है? प्रदेश के कई किसानों ने अपनी माटी के समक्ष यह समस्या रखी। इसी के चलते अपनी माटी ने आलू के लिए मशहूर नगरोटा बगुआ में विभाग के SMM डॉक्टर MS मंडोत्रा से बात की। उन्होंने बताया कि ये सब सही ढंग से देखरेख ना हो पाने चलते होता है। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर मंडोत्रा। MS मंडोत्रा स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट ब्लॉक नगरोटा बगुआ। जैसे किसानों ने सुझाव मांगा है कि आलू की फसल में जो पोटैटो ट्यूबर है वो हरापन आ जाता है, तो उसका मेन कारण होता है कि लोगों द्वारा उसमें जब अर्दिंग आप करते हैं तो प्रॉपर अर्दिंग आप नहीं की जाती, क्योंकि जैसे जैसे फसल बढ़ती है तो आलू हमारा ज़मीन से बाहर आ जाता है। जब वो प्रकाश की लाइट में आलू होगा तो उसमें हरापन आएगा। इसलिए किसानों को सुझाव है कि वो अपनी फसल में प्रॉपर अर्दिंग आप करें, उसके ऊपर ठीक ढंग से मिट्टी चढ़ाएँ ताकि आलू बाहर प्रकाश की लाइट में ना दिखाई दे। दूसरी शिकायत, जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे आलू में सड़न आ जाती है, ये केवल बैक्टीरिया बिल्ड की वजह से होता है या तो उसमें खेतों में पानी खड़ा हो जाए उसके कारण होता है। तो किसानों को सुझाव है कि सुधरी हुई किस्म जैसे कुफरी जो होती, अच्छा किस्म का बीज लगाएं जिसमें ये विषाणु रहित या बैक्टीरिया बिल्ड नहीं आएगा। कई जगह जैसे किसानों ने चाहा है कि हमारे फसल में छेद आ जाते हैं, तो लोगों को ये सुझाव दिया जाता है कि एक तो कच्चा गोबर अपने खेतों में ना डालें, और जब खेत तैयार करते हैं तो उसमें मिट्टी को ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोपाइरीफास ग्रैन्यूल में या तो लिक्विड में उसमें अपने खेतों में मिलाए, ताकि जो उसमें पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े जो भी हैं छोटी छोटी सुंडियाँ हैं वो सारी खत्म हो जाए, जिससे हमारी फसल जो है स्वस्थ
और रिस्ट अच्छी निकले, इसके लिए क्लोरोपाइरीफास बहुत ज़रूरी है। हम समय समय पर हर जगह गांव-गांव में, पंचायतों में किसान प्रशिक्षण लगाते हैं, जिसमें ये सारी विभाग की स्कीमें उनको जागरूक करते रहते हैं। हिमाचल में इस बार लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, हुई भी है तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पूरा प्रदेश सूखे से त्राहिमाम कर उठा है। हिमाचल में बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसानों का मानना है कि चंगर में 80% से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। वहीं पलम इलाकों में भी ऐसी ही हालत है। इस फसलों में गेहूं, चना, जौ, लहसुन, मटर, आलू आदि प्रमुख है। इसके अलावा चारे को भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगह किसानों ने गेहूं को चारे के रूप में काटना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जहां 1 क्विंटल गेहूं होनी थी, वहां महज 15 से 20 किलोग्राम ही प्रोडक्शन होगी। कृषि विभाग ने 1 माह पूर्व अपनी रिपोर्ट में सूखे का प्रभाव, जो केवल 30-40% आंका था, अब यह कहीं ज्यादा पहुँच चुका है। इस कड़ी में पूरे प्रदेश से हिमाचल व केंद्र सरकारों को ज्ञापन भेजे गए हैं। हिमाचल को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठाई गई है। भारतीय किसान संघ सरकाघाट के किसान आज एसडीएम साहब को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे हम लोग गए थे और हमने ये ज्ञापन दिया। सभी जानते हैं कि इस समय में कम से कम आठ महीने से हमारे बारिश न होने के कारण हमारी गेहूँ की फसल, चने, दालें सारी सूख गई हैं और किसान बहुत परेशान है। बारिश का कोई वो नहीं हो रहा है, तो हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे इस क्षेत्र को तो करें करें पूरी हिमाचल को सूखाग्रस्त घोषित कर दे, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। अभी पहले हम ये आंकड़ा आया था कि 30% ही 40% तक बारिश हुई है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि हमारे इस क्षेत्र में तो पूरा 100% ही सूखा हो गया है, जिसके कारण कि अधिकतर खेती की भूमि जो है असिंचित है, छोटी जोत है, छोटे छोटे किसान लोग हैं और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, अनाज की कम आय वाली फसलों के कारण, ना ही तो जो फसल बीमा योजना है उसका भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, उससे भी वंचित रह पा रहे हैं। तो किसान अभी बहुत परेशान है। किसान चाहता है सरकार से कि इसका उचित मुआवजा सरकार दे, जिससे कि आने वाले समय में वो अपनी समस्याओं का हल कर सके और आने वाली फसलों का भी कुछ करे और सिंचाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। पानी को रोकने के लिए सरकार कुछ ऐसे माध्यम अपनाए कि नालों में चेक डैम लगें और अच्छी कुल्ले हों। पहले कच्ची होती थी तो उससे खेतों तक पानी पहुंचता था, खेतों में पानी पहुंचता था तो हर हमारे कुएं से, बौड़ियों से पानी निकलता था, परंतु इस समय में हमारे जो नाले हैं उनके ऊपर मलौंड वगैरह टूटे हुए हैं, कुल्लों का कोई इंतजाम नहीं है, पानी के ज़मीन के अंदर सिंचित करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो हमारे भारतीय किसान संघ के सरकाघाट की इकाई में ये निर्णय लिया कि हम इस मुद्दे को सरकार के समक्ष, सेंट्रल सरकार के समक्ष, केंद्रीय सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाएं और इसीलिए हमने ठाकुर जयराम जी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन भेजा, श्री तोमर जी माननीय केंद्र कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय को, ठाकुर महेंद्र जी से बागवानी और जल शक्ति मंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है और साथ ही वीरेंद्र कंवर माननीय कृषि पशुपालन मंत्री से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करके जितना भी मुआवजा हो सके किसानों को दें। आपका बहुत धन्यवाद। बहरहाल लाखों किसानों को इस बात का इंतजार है कि आखिर कब उनकी सुनी जाएगी। सिरमौर के साथ हिमाचल के कई जिलों में लहसुन को एक प्रमुख नकदी फसल माना जाता है। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनका सारा साल लहसुन पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार सूखे की मार लहसुन तक जा पहुंची है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस बार सूखे ने सारे हिमाचल को रुला दिया है। गेहूं से लेकर आलू मटर तक खूब नुकसान हुआ है। बारिश न होने का एक बुरा असर सिरमौर जिला में देखने को मिल रहा है। जिला की प्रमुख नकदी फसल लहसुन खेतों में ही पीली पड़ गई है। ऐसे हालात प्रदेश के सभी जिलों में हैं। किसानों ने अपनी माटी टीम को बताया कि उनकी फसल पूरी तरह खराब हो गई है, फसल में पीला झुलसा रोग लग गया है। आलम यह है कि कई किसानों ने अपने खेतों से लहसुन को उखाड़ना शुरू कर दिया है। वे कई बार दवाइयों का छिड़काव कर चुके हैं मगर यह बीमारी हटने का नाम नहीं ले रही। कई किसानों ने पिछले वर्ष भी लहसुन में बीमारी के चलते अपने खेतों में हल चलाया था, यही हाल इस बार है। बता दें कि इस वर्ष किसानों ने 100 से 180 रुपए किलो के हिसाब से बीज खरीदकर लहसुन की बिजाई की है। ऐसे में कमाई तो दूर, खर्च निकालना कठिन हो जाएगा। फिलहाल किसानों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए।
मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि हमारे नौराधार बेल्ट में जितने भी लहसुन है इस साल बहुत ख़राब हो गए, हो तो गए 2-3 साल पर, अब इस साल तो इतनी फसल बर्बाद होगी कि जितना पैसा लगा रखा था वो भी ख़त्म और मेहनत भी ख़त्म हमारी, और नौजवान बड़े परेशान है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि नौजवानों को इसका मुआवजा दिया जाए, किसान नौजवानों को। पहले भी होते थे आपके? ना जी, पहले हुए नहीं आज तक, आज इस साल हमारे ज़्यादा ही हो गए, पहले 7-8 साल हो गए हमारे फसल बर्बाद नहीं होती थी, और 2 साल से ये फसल बर्बाद हो रही है, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। जितनी भी मेहनत होती है इसमें लगाते हैं, 8-9 महीने की फसल है, और ये गोबर भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, इसका पैसा भी कहीं से गवर्नमेंट दिलाए और फसल का भी दिलाए, कम से कम 1-1 के 2-2-3-3 लाख की फसल बर्बाद होगी। बीज क्या रुपए किलो लिया था आपने? 180-260 रुपए किलो का बीज ले रखा हमने। ये अब सरकार से अर्ज करता हूँ, एक किसान के कितने हजार का लगाएं? एक एक किसान ने 20-25-25 हजार का लहसुन लगाया है, कम से कम। खाद गोबर अलग, खाद ऊपर, और मेहनत, क्या ना, मेहनत ऊपर, लेबर का भी हमारे यहाँ 400-500 रुपए डेली देना पड़ता है, इसलिए सरकार से अर्ज है, खासकर जयराम ठाकुर जी से अर्ज है कि इसका कोई समाधान ढूंढे, जितनी भी हमारी फसल है ये सारी बर्बाद होगी। और अब चलते चलते हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बागीचों में हेलमेट डालने का काम तेज, अप्रैल में रहता है ओलों का डर। मशरूम के बटन और डींगरी किस्मों को उगाएं किसान, भारतीय कुंभ अनुसंधान निदेशालय चंबा घाट ने दी सलाह। और बिलासपुर में गेहूं की 80% फसल खराब, बारिश न होने से किसानों को भारी नुकसान। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।